Hello students, so here again I am with you with another trick, and the trick is about to multiply any number with 11. आज इस ट्रिक में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका आंसर बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है 23 मल्टीप्लाई बाय 11। यहाँ हम 23 को 11 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ये जो 3 यहाँ लास्ट में लिखा है, इसको हम यहाँ लिख देंगे। इस 2 को हम बीच में गैप छोड़ के आगे लिख देंगे, और जब हम 2 और 3 को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 5। इट मीन्स 23 मल्टीप्लाई बाय 11, वी गेट द आंसर 253। जब हम 23 को मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 253। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ हम 1 को इधर लिख देंगे, इस 5 को हम आगे लिख देंगे, और 5 और 1 को हम प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 6। तो इट मीन्स जब हम 51 को मल्टीप्लाई करते हैं 11 से तो हमारा आंसर आ जाता है 561। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस 3 को हम यहाँ लिख देंगे, इस 6 को हम यहाँ लिख देंगे, और जब हम 6 और 3 को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आता है 9। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। इस 2 को हम यहाँ लिखते हैं, इस 1 को हम यहाँ लिखते हैं, और जब हम 1 और 2 को प्लस करते हैं हमारा आंसर आता है 3। आगे देखिए, इस 7 को हम यहाँ लिखेंगे, इस 5 को हम यहाँ लिखेंगे। अब इस ट्रिक में थोड़ा सा चेंज है। जब हम 5 और 7 को प्लस करते हैं हमारा आंसर आता है 12, और 12 एक 2 डिजिट नंबर है, बट हमें तो यहाँ बीच में एक ही नंबर चाहिए होता है। तो इस 2 को तो हम यहाँ लिख देंगे, और इस 1 को हम इस 5 में प्लस कर देंगे, जो कि हमारा आंसर बना देगा 6। तो इट मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा 627। चलिए आगे इसी ट्रिक को दोबारा से सीखते हैं। यहाँ मैंने इस 7 को लिखा, ये 5 मैंने यहाँ लिखा। जब मैं 5 और 7 को प्लस करती हूँ मेरा आंसर आता है 12। इस 2 को मैं यहाँ लिख दूँगी, और इस 1 को मैं 5 में प्लस कर दूँगी, तो मेरा आंसर बन जाएगा 627। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। 94 मल्टीप्लाई बाय 11, मैं यहाँ 4 लिखूँगी, इस 9 को मैं यहाँ लिख दूँगी, 9 और 4 को प्लस करने से आता है 13, इस 3 को मैं यहाँ लिखूँगी, और इस 1 को मैं 9 में प्लस कर दूँगी, जो कि मेरा आंसर बना देगा 10। इट मीन्स जब हम 94 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है 1034। आशा करती हूँ ये ट्रिक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।